इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कोरोना पर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, केंद्र सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस की तरफ से ये जारी गाइडलाइंस में वेंटिलेशन की अहमियत पर फोकस किया गया है। इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि सैनिटाइजेशन के साथ ही वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है। घरों दफ्तरों में खुली जगह होनी चाहिए क्योंकि संक्रमण खुली जगहों पर कम फैलता है। खुली हवा आने की जगह हो तो इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। गाइडलाइन में ये कहा गया है कि मास्क और दूरी के साथ वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, ये बहुत बड़ी गाइडलाइन में देख पा रही हूँ, इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं? देखिए, तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस गाइडलाइन में मेंशन किए गए हैं मीनाक्षी। और पहला पॉइंट यही है कि सलाइवा और नेजल जो डिस्चार्ज है उससे भी ड्रॉपलेट से इंफेक्शन जो है वो एयर में फैलता है। इसके अलावा अगर लार्ज साइज ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पर या ग्राउंड पर पड़ती हैं तो उससे भी जो है ये ट्रांसमिशन होता है। इसलिए एडवाइजरी यही है कि आप वेंटिलेटेड, जो अच्छे वेंटिलेटेड एरियाज हैं वहां पर रहें, क्योंकि इंडोर्स में इसके फैलने के और संक्रमण के ज्यादा लोगों तक ट्रांसमिशन होने के खतरे जो है वो ज्यादा है। ये बात हम जानते हैं कि पिछले दिनों से ये चीज लगातार बार बार सामने आ रही है कि एयर में भी ये जो है वायरस वो फैल रहा है, भावा के जरिए भी वायरस जो है फैल रहा है। आज ये एडवाइजरी भारत सरकार के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर से क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे एयर में ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का हो सकता है, इसको लेकर के जानकारी दी गई है। और लोगों को कहा गया है कि वेल वेंटिलेटेड एरियाज में रहना ज्यादा समझदारी की बात है, बजाय कि आप इंडोर। वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज आप दे रही हैं, इसी से जुड़ी हुई और थोड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। आप बने रहिए हमारे साथ विजय लक्ष्मी। इस गाइडलाइन में एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। गाइडलाइन के मुताबिक एरोसोल और ड्रॉपलेट्स को वायरस के संक्रमण की सबसे बड़ी वजह बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एरोसोल हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है, वहीं किसी संक्रमित व्यक्ति से निकले ड्रॉपलेट्स 2 मीटर के दायरे में दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी, आप इसी पर जानकारी दे रही थी, क्या कहती है गाइडलाइन? देखिए, गाइडलाइन साफ तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि जो ट्रांसमिशन है वो कुछ मीटर की दूरी पर जो है वो आपको ट्रांसमिशन जो है ड्रॉपलेट्स जो है वो 2 मीटर की दूरी तक जो है इन्फेक्ट कर सकती हैं। यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो हवा में अगर वो छींकते हैं, खांसते हैं या किसी भी तरह से ड्रॉपलेट्स जो है वो उनके मुंह से अगर वो कहीं बाहर बैठे हैं या किसी जगह पर बैठे हैं तो 2 मीटर तक वो जो वायरस है वो किसी आसपास के व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए गाइडलाइंस जो है वो साफ तौर पर जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो साइंटिफिक एडवाइजर है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उनकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। बताया गया है कि कैसे 2 मीटर की दूरी में अगर ये ड्रॉपलेट गिरती है तो किसी भी व्यक्ति को हवा के जरिए इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए तमाम तरह की सावधानियां, मास्क, हम लगातार हम सुन रहे हैं कि मास्क बेहद जरूरी है। मास्क इसलिए भी जरूरी है अब क्योंकि हवा में संक्रमण जो है वो फैल रहा है, वायरस कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर 2 मीटर की दूरी तो 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है विजय लक्ष्मी। एक तो ये कि 2 मीटर के दायरे से दूर रहना है और साथ ही वेल वेंटिलेटेड प्लेस पर रहना है, काम करना है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी आपका। बिहार की राजधानी पटना से व्हाइट फंगस पर अब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं। अभी तक लोग ब्लैक फंगस से खौफ में थे, ब्लैक फंगस को भी लोग समझ ही रहे थे कि इसी बीच व्हाइट फंगस भी लोगों को अपना शिकार बनाने लगा है। सबसे परेशानी की बात यह है कि व्हाइट फंगस के लक्षण भी कोरोना के जैसे ही होते हैं और इसमें कोरोना की तरह ही फेफड़े संक्रमित होते हैं। पटना में जो 4 मरीज मिले हैं उनके टेस्ट नेगेटिव थे। अब आप ये देखिए, उनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव थे लेकिन उनमें व्हाइट फंगस के लक्षण पाए गए। अब ये व्हाइट फंगस क्या है ये जरा आप जान लीजिए। ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस। शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है व्हाइट फंगस। ये ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक होता है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है। मुंह, किडनी, स्किन और दिमाग पर भी व्हाइट फंगस का असर आता है। ब्लैक फंगस से 4 गुना अधिक घातक कहा जाता है
व्हाइट फंगस। और सबसे और डराने वाली बात तो ये है कि छोटे बच्चों पर भी इस व्हाइट फंगस का असर दिखाई देता है। कमजोर इम्यूनिटी के मरीजों को व्हाइट फंगस अपना निशाना बनाता है। पूरा देश इस वक्त ब्लैक फंगस से परेशान है, लेकिन इस बीच व्हाइट फंगस के मामले भी अब सामने आने लगे हैं। पटना में इस तरह के 4 मरीज मिले हैं। हमारे साथ हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर SN सिंह। सर, ये बताया जाए कि ये व्हाइट फंगस क्या है? अभी तो ब्लैक फंगस से सब परेशान थे, और कितने मरीज अभी तक मिल पाए हैं? व्हाइट फंगस के हमारे समझ से तो बहुत सारे मरीज मिलने चाहिए, क्योंकि व्हाइट फंगस से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। जैसे बच्चों में, नवजात शिशुओं में डायपर के चलते वो जो कैंडिडोसिस होता है, वाइट पैचेस जहाँ तहाँ हो जाते हैं वो उससे बड़े बच्चे आते हैं तो ओरल थ्रश कहते हैं, वाइट छाले पड़ जाते हैं वो। और लेडीज़, हमारी माताएं बहनें हैं, वो वाइट डिस्चार्ज होता है उनमें, जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं। और ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो कि सीवियर डायबिटीज़ हैं और किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, एड्स के पेशेंट हैं, चाहे जिनकी इम्यूनिटी लो है, उसमें तो ये चेस्ट इन्फेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। चाहे आजकल तो ऑक्सीजन सिलेंडर की लेने की धूम मची हुई है, नॉर्मल पर्सन भी जिनका 90 हो जाता है, 94 हो जाता है, 93 हो जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जो उसमें ह्यूमिडिफायर होता है उसमें टैप वाटर डाल देते हैं लोग, टैप वाटर में तो वाइट फंगस है ही है, तो वो चेस्ट में चला जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि इसके लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से कोरोना में CT स्कैन में चेस्ट में पैचेस दिखते हैं या फिर ऑक्सीजन लेवल गिरता है, इसमें भी वैसा होता है? बिल्कुल होता है, इसमें वैसा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।